तो चलिए तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। गाना चल रहा था थोड़ा, इसीलिए डिस्टर्ब हो गए, बंद कर दिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, अब दो नहीं बल्कि चार सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकेंगे, क्या है यह पूरा बात जानेंगे। और ये सभी के काम में देगा, चाहे आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चार साल का जो ग्रेजुएशन है, इन सभी के लिए, आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है। और वीडियो के एंड में जानेंगे, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी या रांची यूनिवर्सिटी या एनपीयू में पढ़ते हैं तो आपका गेस्ट पेपर आ चुका है, ठीक है। पूछ रहे थे कि कैसा है, दिखाइए थोड़ा सा, तो चलिए आप लोग को दिखा भी देंगे ये वीडियो के एंड में। पहले अभी हम लोग जान लेते हैं काम की बात, उसके बाद देखेंगे गेस्ट पेपर को, ठीक है। तो देखिए, जितने भी लोग ग्रेजुएशन में फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि चार साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका 22, 26, 23, 27, 24, 28 और आने वाले फ्यूचर में जितना भी सेशन होगा, उन सभी के लिए है, ठीक है। क्या बोला गया है कि पहले जो है ना, दो बार एक साल में आपको दो ही एग्जाम देने दिया जाता था, फेल होते थे तो। लेकिन अब जो है कुछ रूल रेगुलेशन बदला है, अब दो नहीं चार बार सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकेंगे, ठीक है। यूजी स्टूडेंट मतलब अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट सात साल में पूरा कर सकेंगे कोर्स। आपका चार साल का है, चार साल की जगह आप सात साल ले लीजिए, फिर भी आप कोर्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो सेशन एक बार रजिस्ट्रेशन करने से आपका सात साल तक वैलिड रहेगा। एक बार आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं चार साल का, तो आपका सात साल तक वैलिड रहेगा। कितना साल तक? सात साल तक। ये आपका आउट ऑफ नॉलेज है, जो कि मतलब स्कूल वगैरह में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए कॉलेज वगैरह में, हाँ कॉलेज वगैरह में देख लेते हैं। तो ये आपका सभी के काम देगा, झारखंड में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उन सभी के, चाहे बीबीएम के हो, चाहे बिनोद भावे हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे एनपी हो, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, चाहे एसकेएमयू हो, चाहे जमशेदपुर ओपन यूनिवर्सिटी हो, सॉरी जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपका जितना भी है डीएसपीएमयू और सबके, ठीक है, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, इन सभी में एक बार नाम ले लिया ताकि बोल लीजिएगा नहीं कि मेरा का नाम बोल गए। चलिए अब देखिए, बोला गया है कि नई शिक्षा नीति में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? कि इसके तहत अब यूजी यानी कि स्नातक के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हर वर्ष दो नहीं बल्कि चार बार सप्लीमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मतलब आप एक सेमेस्टर में फेल होते हैं तो आपको दो बार, एक सेमेस्टर में फेल होइएगा तो दो बार आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर आप एक साल में दो बार फेल होते हैं दोनों सेमेस्टर में, तो भी आपको चार बार मौका मिलता है एग्जाम देने का, ठीक है। और नई शिक्षा नीति के तहत अभी तक एक साल में दो बार सप्लीमेंट का मौका दिया जा रहा था, ठीक है, लेकिन उससे पहले, सॉरी, नई शिक्षा नीति में अब क्या है कि एक साल में आपको दो बार सप्लीमेंट का मौका मिलेगा। साल में पहले एक ही बार होता था, अब आपको चार बार, ठीक है, चार बार दीजिए भाई, फिर भी पास कीजिए। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तीन साल वाला, तो उस टाइम पे एक ही बार था, ठीक है, कुछ बच्चे फेल करते थे, हालांकि बहुत कम बच्चे फेल करते थे उस टाइम पे। नई शिक्षा नीति के तहत अब सात साल में यूजी पास करना होगा, ठीक है, चार साल की जगह अगर आप फेल करते हैं तो पांचवा साल कीजिए, पांचवा साल भी नहीं कर पाए तो छठा साल कीजिए, छठा साल नहीं कर पाए तो सातवां साल कीजिए, सात साल तक, आठवां साल जाइएगा तो फिर आपको ग्रेजुएशन फिर से नया नाम लिखाना होगा, ठीक है। अगर सात साल में भी अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको दोबारा नाम लिखाना होगा ग्रेजुएशन में, और उस टाइम पे फिर आपको पढ़ने का मन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस व्यवस्था के तहत अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की सप्लीमेंट्री में फेल हो जाता है, ठीक है, तो तब भी वह सेकेंड ईयर की परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी तरह सेकेंड ईयर की परीक्षा में भी सप्लीमेंट्री लाता है, ठीक है, तब भी वह फाइनल ईयर की परीक्षा दे सकेगा। हालांकि उसे तय सीमा में दोनों जो भी आप फेल हुए हैं क्लासेस की सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर पास करनी होगी, यानी कि क्लियर करनी होगी, अन्यथा वह पास आउट नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। साथ ही प्रत्येक स्टूडेंट को हर क्लास में कम से कम 14 क्रेडिट स्कोर लाना होगा। 14 क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट में होता है आपका 25 नंबर, 14 क्रेडिट में कितना होगा, ठीक है, तो एक क्रेडिट में 25 नंबर, 25 दाइए 250 और 14, 25 चौका, एक मिनट यार, सॉरी
25 दाई 250 और 25 चौका 100, यानी कि 250 350 नंबर आपको प्रत्येक एक क्लास में लाना होगा, 350 नंबर, ठीक है, एक क्लास में। नेक्स्ट है आपका, एक क्रेडिट 25 अंकों का होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले 20 क्रेडिट की वैधता थी, लेकिन अब जो है 14 क्रेडिट की वैधता रखी गई है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और बदलाव है। पहले थी यह व्यवस्था, नई पॉलिसी के तहत पहले बीकॉम, बीए, बीबीए, बीसीए और बीएससी फर्स्ट ईयर जितने भी हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए दो के बजाय सीधे चार विषयों में सप्लीमेंट्री दिए जाने की व्यवस्था लागू हुई थी। पहली बार कुल 9 विषय थे, जबकि उससे कुछ कोर्स में 5 तो कुछ में 6 विषय होते थे। पहली बार ही वोकेशनल विषय को भी एक अनिवार्य सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया गया था। नई शिक्षा नीति होने के बाद इसमें अब तक कई बदलाव किए जा चुके हैं, आने वाले समय में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं, डेफिनेटली किया जाएगा। फिर है, नई पॉलिसी में अब तक ये बदलाव हुए हैं, फाउंडेशन ग्रुप में विषय 3 से 4 किए गए, पहले 3 था, अब कितने किए गए हैं, 4, ठीक है। फाउंडेशन ग्रुप की परीक्षा कॉपी यानी कि उत्तर पुस्तिका के बजाय ओएमआर सीट पर होने लगी है। पहली बार ओपन इलेक्टिव के तौर पे अन्य कोर्स भी एक विषय चुनने की पात्रता दी गई। कुल मिला के अब जो है ना, बहुत सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो साइंस का बच्चों को पढ़ना है वो आर्ट्स के बच्चों को भी पढ़ना है। तो कोई सोचता होगा यार हम आर्ट्स में काहे लिखा है, जब हमको साइंस मैथ पढ़ना ही है, इंग्लिश पढ़ना ही है, तो हम आर्ट्स में काहे लिखा है, इससे अच्छा तो हम साइंस में लिखा लेते हैं। और डेफिनेटली ये बात सही भी है, और नई शिक्षा नीति की मुझे कुछ चीजें गलत लगती हैं, जैसे कि पेपर को पूरा का पूरा इंग्लिश में देना, कुछ कुछ सब्जेक्ट का जैसे मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में देना, ये गलत बात है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर वाला में पूरा का पूरा इंग्लिश में देना, ये भी गलत बात है, ठीक है। मैथ कंपलसरी कर देना सभी के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस चाहे कोई भी हो, सभी को पढ़ना पड़ेगा, ये गलत बात है, जबरदस्ती वाली बात हो गई कि नहीं भाई पढ़े ले हैबे घर तो तोरा, इटा कौन बात बताइए। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ना फोर्स कर रही है कि आप ना पढ़ें, सही बता रहे हैं, क्योंकि अब देखिए जो बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला है वो काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है, ग्रेजुएशन आफ्टर 12th वो काम के साथ पढ़ाई करता है, और जो रिच फैमिलीज होते हैं, ठीक है, वो केवल पढ़ाई करते हैं, उनका काम दाम नहीं होता है, क्योंकि उनके फादर अच्छे सेटल होते हैं तो उन लोग को काम करने की जरूरत नहीं होती है, तो उन लोग काम करके पढ़ाई नहीं करता है, केवल पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है डेली। और जो पुअर फैमिलीज आते हैं वो लोग काम के साथ पढ़ाई करते हैं, जैसा कि मैं भी काम के साथ पढ़ाई करता था ग्रेजुएशन में, और उनके लिए अब का जो एग्जाम है बहुत टफ हो गया है, ठीक है। तो देखिए टफ है, एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है, लेकिन कुछ चीजें गलत है, जैसे कि इनका पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आना, ये गलत बात है, ठीक है। बाकी ये ठीक है, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में देना ये गलत बात है, ठीक है। और इसका विरोध भी मैं करता हूँ, लेकिन क्या बताएं, एक आदमी का विरोध नहीं सुनता है गवर्नमेंट। चलिए अब देख लेते हैं, तो ये बात है कि हाँ, अगर आप में से कोई फेल हो जाते हैं तो अब आपको पास होने के लिए 4 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब बोलिएगा हम इसको कैसे क्या करें, तो देखिए इसके लिए आपको जो है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्या होगा कि आपको जो है अपना कॉलेज के टीचर से बात करते रहना होगा कि सर मैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल करते हैं तो आपको बात करते रहना होगा कि सर मुझे इस एग्जाम का सप्लीमेंट्री देना है, तो फॉर्म वगैरह बताते रहिए, ठीक है। और टीचर अगर नहीं बताते हैं तो प्रिंसिपल से बात कीजिए, डरिए मत यार, पैसा दिए हैं, फ्री में थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फोकट के थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, और मुझे राइट है, पूरा अधिकार है प्रिंसिपल से पूछने का, ठीक है। तो प्रिंसिपल से पूछिए कि सर मैं इस सब्जेक्ट में फेल हूँ, मुझे सप्लीमेंट्री देना है, तो कब इसका डेट आ जाएगा वो हमें इन्फॉर्म कीजिए, और नहीं तो बता दीजिए एक संभावित तिथि कि उस टाइम पे तक हम आपको फिर से एक बार पूछ लेंगे, ठीक है, ऐसा पूछिए, ठीक है। बाकी देखिए, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का आप लोग गेस्ट पेपर पूछ रहे थे, तो प्रोफेसर गेस्ट पेपर जो है ये आपका एसी हिंदी के लिए आ गया है, ठीक है, वहीं आपका एसी इंग्लिश का भी जारी हो गया है, ठीक है, और हिंदी का अलग से है, इंग्लिश का अलग से है, आपका जो और सब्जेक्ट है आप उसे चुन लीजिएगा। और सभी ऑटोनोमस माने, जैसे रांची वुमेन्स कॉलेज हो गया, मारवाड़ी कॉलेज का तो एग्जाम ही हो गया, ठीक है, मारवाड़ी कॉलेज बहुत फास्ट है,
वो एग्जाम करवा लिया, इसीलिए मैं भी वहां से पीजी किया, तो मेरा भी पीजी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, साथ ही अगर आप एमडीसी में ह्यूमन राइट्स को रखें, जो कि 90% कैंडिडेट एमडीसी 3F ह्यूमन राइट्स को ही रखें, मानवाधिकार, तो उसका भी ये पेपर है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और इस पेपर का नाम है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये पेपर मड़वाड़ी कॉलेज के में एग्जाम हो चुका है सेमेस्टर 3 का। सेमेस्टर 3 में क्या है कि ये पेपर जो पूछा गया पूरा का पूरा इंग्लिश में पूछा गया, और इसमें आपका 75 क्वेश्चन आता है और वो भी ऑब्जेक्टिव। कितने क्वेश्चन? 75 आते हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा इंग्लिश फॉर्म में आया था, ठीक है। अब ऐसा में बताइए, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है उतना फ्लुएंसी, तो वो क्या करेगा? फेल तो हो जाएगा। तो यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ गड़बड़ियां, जो कि ध्यान देना चाहिए किसको, मालूम है? राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति होते हैं राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल की कहां इतना ढुकने गया यार भीतर, राज्यपाल वो तो थोड़ी पीएचडी करके बैठा है कि प्रोफेसर के टक्कर दे पाएगा ना, प्रोफेसर से नॉलेज बहुत कम होता है राज्यपाल का, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। भले राज्यपाल को ये बातें पता चलेंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन उसका नॉलेज इतना नहीं होता है। अगर इतना नॉलेज होता ना तो सच बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी एकदम रफ्तार एरोप्लेन रॉकेट जेट इंजन की तरह उड़ता बच्चा वहां का, लेकिन यहाँ पे डिले चलता है, सेशन इतना लेट चलता है, ठीक है, इन सब का किसी का फिक्र नहीं होता है, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में कभी भी पॉलिटिक्स वाले नहीं सोचते हैं कि बेटर हो कुछ, अगर करना होता ना तो आज भारत नंबर वन होता है एजुकेशन सिस्टम वगैरह में, लेकिन यहाँ के नहीं देखते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट से ज्यादा बाबा लोग पे विश्वास किया जाता है, हाँ बाबा, ठीक है। चलिए चलिए, ज्यादा कमेंटबाजी नहीं करूंगा नहीं तो। और देखिए, ये जो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन है प्रोफेसर के इस पेपर का, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको समझने में आसानी होगा, ठीक है। और इसका पेपर 75 को आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। हो सकता है रांची यूनिवर्सिटी अगर बहुत अच्छा काम करे, मैं सहारूंगा, अगर वह हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर सेट करती है तो, ठीक है, और केवल इंग्लिश में आएगा तो फिर क्या बताएं, एक तरह से बुरा काम भी करेगी, और मैं इसका क्रिटिसाइज भी करूंगा अगर पेपर केवल और केवल इंग्लिश फॉर्म में आता है तो। दोनों फॉर्म में आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि ये भाषा का पेपर नहीं है। भाषा का पेपर हो तो केवल उसी भाषा में आता है, बाकी सभी पेपर आपका राजकीय भाषा और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। और हम लोग का राजकीय भाषा हिंदी है, झारखंड का, यानी कि हिंदी और इसके अलावा इंग्लिश दोनों में आए पेपर, तब ना मजा आएगा, ठीक है। केवल एक भाषा में दे देंगे तो वो तो इंग्लिश मीडियम वाले का बल्ला बल्ले हो जाएगा, सरकारी स्कूल जो हिंदी मीडियम से पढ़ के गया है उन लोग मुंह ताकेगा, भालेगा दूसरे का, क्या करेंगे। चलिए, जो भी है, तो ये गेस्ट पेपर है आप लोगों का, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो गया है, आप लोग खरीद लीजिएगा। और जल्दी ही मैं भी अब क्लासेस शुरू भी करूंगा, डेली 1 घंटा क्लास लेने का, ठीक है। और हाँ, इसका प्राइस अगर बात करें तो प्राइस आपको 35 से 40 रुपया में मिल जाएगा हर जगह पे, आपका रांची और पलामू दोनों प्रमंडल में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि रांची प्रमंडल में कितने जिले हैं मालूम है? नहीं मालूम है, आप लोगों को कहाँ से मालूम रहेगा यार, इन लोग आप लोग थोड़ी पढ़ाई करते हैं ये सब। झारखंड में कितना प्रमंडल है? 5 गो प्रमंडल है, याद कर लीजिए, पलामू, ठीक है, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, ये 5 गो प्रमंडल है। देखिए थोड़ा सा हायरार्की में बताता हूँ, समझ लीजिए, हमेशा पढ़ाई के तो बात करते रहते हैं, थोड़ा नॉलेज के बाद जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ विद फेस, तो देखिए, चलिए ठीक है ना, हाँ देखिए, जब भी आप लोग बात करते हैं कि प्रमंडल अनुमंडल, इस सब में आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, ठीक है। सबसे छोटा होता है आपका पंचायत, ठीक है, और अगर आप शहर सिटी एरिया में रहते हैं तो आपका होता है नगर पालिका, ठीक है, नगर निगम, तो सबसे छोटा होता है पंचायत, ठीक है। पंचायत से अगर कोई काम नहीं होता है तो आपको कहां जाता है, उससे ऊंचा इकाई होता है प्रशासनिक इकाई, वो होता है आपका प्रखंड, ठीक है। प्रखंड में अगर आपका कोई काम नहीं होता है तो कहां जाइएगा, जिला, नहीं, प्रखंड से बड़ा होता है आपका अनुमंडल, ठीक है, अनुमंडल, जिस जहां पे एसडीओ बैठते हैं। देखिए, जो पंचायत होता है वहां का आपका सचिव होता है पंचायत सचिव हेड, ठीक है, पंचायत सचिव हेड होता है, हमारा बॉल्व यार बुझबाज कर रहा है। उसके बाद ब्लॉक उससे ऊपर लेवल का होता है, और ब्लॉक का हेड होता है आपका बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर,
प्रखंड विकास पदाधिकारी और ब्लॉक में ही एक हेड होते हैं अंचल, और अंचल का हेड होता है प्रखंड का हेड बीडीओ और अंचल का हेड सीओ सर्कल ऑफिसर, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक से थोड़ा सा ऊंचा लेवल का होता है एसडीओ लेवल, ठीक है, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर उसको बोलते हैं। और वो जो ऑफिस होता है उसको बोलते हैं अनुमंडल, और हिंदी में बोलते हैं अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ को, ठीक है। ब्लॉक से ऊंचा कौन है? अनुमंडल। अनुमंडल वहां पे एसडीओ बैठते हैं जो कि जेपीएससी क्लियर करके जाते हैं। और एसडीओ से ऊंचा लेवल कौन होता है? अनुमंडल, जो है अनुमंडल से ऊंचा होता है जिला, ठीक है। एक जिला में कई सारे अनुमंडल आते हैं, ठीक है, तो जिला से ऊंचा कौन होता है? अनुमंडल। अनुमंडल से ऊंचा होता है जिला, पहले ग्राम पंचायत, पंचायत से ऊंचा हो गया आपका ब्लॉक, ब्लॉक से ऊंचा हो गया आपका अनुमंडल, अनुमंडल से ऊंचा हो गया आपका जिला, ठीक है। जिला में बैठते हैं डीसी डेप्यूटी कमिश्नर, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उप आयुक्त, ठीक है। अब जिला से ऊंचा कौन होता है? तो जिला से ऊंचा होता है प्रमंडल, कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है, जैसे ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को मिलाकर बनाया गया है कोल्हान, ठीक है। पलामू गढ़वा और लातेहार को मिलाकर बनाया गया पलामू, ठीक है। उसके बाद संथाल परगना छह जिलों को मिलाकर बनाया गया, जिसमें गोड्डा पाकुड़ साहेबगंज देवघर, ठीक है। उसके बाद दुमका और जामताड़ा, ये छह जिलों को मिलाकर बनाया गया संथाल परगना, ठीक है। उसके बाद सात को जिला के मिलाकर बनाया गया है उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, जिसमें हजारीबाग रामगढ़, क्या क्या था यार, हजारीबाग रामगढ़ गिरिडीह धनबाद बोकारो कोडरमा चतरा, ये सात गो से बनाया गया उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। और पांच गो से बनाया गया दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें आपका आता है रांची, ठीक है, गुमला लोहरदगा पाकुड़ सिमडेगा, मैंने 2400 जिला का नाम आपको भी बता दिया, ठीक है। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और अगर आपका कोई काम प्रमंडल में भी नहीं बनता है, सपोज दैट आपका प्रमंडल का एक मुख्यालय होता है, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग में है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची में है, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय आपका दुमका में है, ठीक है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनी नगर में है जिसको डाल्टनगंज भी बोला जाता है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में है, ठीक है। तो प्रमंडल में भी कोई काम नहीं बनता है तब आपको जाना है कहाँ पे? सचिवालय, झारखंड सचिवालय, जो कि रांची में स्थित है, धुरवा में प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, तीन जगहों में बटा हुआ है, ठीक है। ये होता है सीक्वेंस। और एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले ग्राम पंचायत, उससे बड़ा हो गया आपका ब्लॉक, ब्लॉक से बड़ा हो गया आपका अनुमंडल, अनुमंडल से बड़ा हो गया आपका जिला, जिला से बड़ा हो गया प्रमंडल, प्रमंडल से बड़ा हो गया पंचायत, सॉरी सचिवालय, राज्य सचिवालय, झारखंड सचिवालय, ठीक है। और सचिवालय जो हेड होते हैं, सबसे हेड, उसको बोलते हैं झारखंड राज्य का सचिव, ठीक है। अभी कौन है? एल ख्यांगते। चलिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखा कीजिए इन सब के बारे में, काफी ज्यादा बातें हो गई, पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, आउट ऑफ नॉलेज का बात हुआ है खाली, ठीक है। थैंक यू, काफी ज्यादा बात, ऑल द बेस्ट। और हाँ, इस तरह से आपको भी इन सब को फॉलो करना है, ठीक है, किसी हीरो और एक्टर को वगैरह को फॉलो नहीं करना है, देख रहे हैं ना बस। चलिए, जैसा आपका चरित्र रहेगा, मतलब जैसा संगत रहेगा, वैसा ही रंगत लाइएगा, ठीक है।